सलमान सर की एंट्री देखी तो वो तो एकदम धमाकेदार थी। मेरी जान पहचान वाली उसमें है ईशा मालवी। ईशा को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगी कि फारदे। शी इज़ वेरी स्वीट गर्ल, शी इज़ वेरी इनोसेंट। ऑल द वेरी बेस्ट भाई, बहुत अच्छा कर रही है, आगे ऐसे ही बढ़। एग्जैक्टली मैंने बिग बॉस में मतलब अभी तो एपिसोड वगैरह ऐसे देखा नहीं है, बट स्क्रॉल करते हैं जब हम लोग कलर्स टीवी को फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोमोज़ वगैरह आते हैं, तो दो तीन प्रोमोज़ देखे हैं। सलमान सर की एंट्री देखी तो वो तो एकदम धमाकेदार थी। तो बाकी हाँ, बाकी मुझे अभी देखने का टाइम नहीं मिलता है, बट स्टिल मैं देखूँगी बिकॉज मैंने सुना है कि इस बार का बिग बॉस सीज़न 17 राइट, तो बहुत ही धमाकेदार आने वाला है। तो लेट्स सी, देखने के बाद बताएंगे। हाँ, मेरी जान पहचान वाली उसमें है ईशा मालवी। एक्चुअल में वो मेरी डांस क्लास की है, मतलब जब हम लोग छोटे छोटे थे तब साथ में ही थे, तो उसने जब उडारिया किया था तो हम लोगों का भी स्लॉट, मतलब मेरा 6:30 का, उसका 7 का स्लॉट आया था। तो फिर उसके बाद मैंने देखा, इवन मतलब मैंने उसी का देखा था बिग बॉस में जब हम लोगों का न्यूज़ आई थी कलर्स टीवी पे, तो उसी का देखा था। मैंने बोला चलो अच्छा है। तो ईशा को ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगी कि फारदे। शी इज़ वेरी स्वीट गर्ल, शी इज़ वेरी इनोसेंट, मतलब काफ़ी अच्छी है वो। मतलब हम लोग जब डांस क्लास में थे तो शी इज़ वेरी गुड डांसर ऑल्सो, मतलब बहुत अच्छा डांस करती थी, तो हम लोग साथ में ही प्रैक्टिस किया करते थे और एक टाइम हम लोग साथ में खाना भी खाते थे। तो बाकी अभी तो स्टिल ये है कि वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, तो बात नहीं हो पाती है, वो चीज़ अलग है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को, तो एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं मिलता। बाकी स्टिल ऑल द वेरी बेस्ट भाई, बहुत अच्छा कर रही है, आगे ऐसे ही बढ़। थैंक यू।